अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आपके साथ बहुत ही हेल्दी मिल्क की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि हम नट्स के साथ बनाएंगे। बहुत हेल्दी बनता है, बहुत मज़े का होता है। आप अपने बच्चों को ये बना के दें। जौन से बच्चे दूध इस्तेमाल नहीं करते हैं या पसंद नहीं करते हैं दूध को, आप उनको इस तरह से इस रेसिपी से बना के दें तो इंशाल्लाह वो इसको बहुत पसंद करेंगे क्योंकि ये इतना मज़े का बनता है। तो चलें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे अखरोट लिया है मैंने, एक अदद अखरोट है। साथ मैंने पिस्ता लिया है, 7 से 8 अदद हमारे पास काजू है जो कि मैंने इस तरह से हाफ कर लिए हैं। आप हमेशा इसको ओपन करके ही इस्तेमाल करें। और 7 अदद हमने बादाम लिए हैं। 1.5 टेबल स्पून रूह अफ़ज़ा है हमारे पास, 6 to 7 आइस क्यूब्स और 1/2 कप ऑफ मिल्क। अब सबसे पहले एक ब्लेंडर जग हम लेंगे और उसमें हम सारे नट्स ऐड कर देंगे। थोड़े से आइस क्यूब्स डालेंगे, मिल्क शामिल करेंगे और यहाँ पर हम इसमें रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे। इसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को मैं ब्लेंड कर लूँगी। इसे हम इतना ब्लेंड नहीं करना है कि सब कुछ पाउडर हो जाए, बल्कि हम इसे इतना ब्लेंड करेंगे कि जो नट्स हैं वो बारीक बारीक चॉप हो जाए इसमें। ये देखिए हमारा जो मिल्क है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब सबसे टॉप पे मैं इसके ऊपर थोड़े से नट्स स्प्रिंकल कर दूंगी। आपको जोन से पसंद है आप वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे एलमंड्स यूज कर रही हूँ। तो जी व्यूवर्स, आपने देखा कि कितना इजी था इस मिल्क को बनाना और कितनी जल्दी हमने इसको 2 मिनट में प्रिपेयर कर लिया है। बहुत मज़े का टेस्ट बनता है, बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही हेल्दी बनता है। अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को ज़रूर बना के ट्राई करवाइएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी उनको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।